गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस वीडियो में हम लोग सिविक्स चैप्टर फिफ्थ और टॉपिक जो है पंचायती राज, इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए पंचायती राज का उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी पावर जो है वो गांव के लोगों तक जाए। तो पंचायती राज के लिए दो कमेटियां जो थी, जैसे अशोक मेहता कमेटी, उसने दो स्तरीय पंचायत की बात की थी, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी ने तीन स्तरीय पंचायत की बात की थी। तो थ्री लेवल है तीन पंचायती राज में। यदि पंचायत लेवल पर देखें तो ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। अब देखिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष रखा गया है, यानी कोई व्यक्ति यदि मुखिया या सरपंच या पंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद है यदि उस वार्ड के मेंबर यदि उस वार्ड के वोटर 18 साल के हैं, यदि 18 साल का कोई युवा है तो वो वोट कर सकता है। वोट कोई भी कर सकता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, ठीक है, बीमार हो या स्वस्थ हो, वोट डालने का अधिकार सबको है। अब देखिए पंचायती राज में कुछ खामियां हैं। खामियां क्या है कि मान लीजिए कि बीपीएल एपीएल लिस्ट जो होता है, कभी कभी सरकारी फंड का जो है फायदा आम लोगों को नहीं मिलता है, यदि मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है, बाकी लोग भ्रष्टाचार में बाकी पैसा चला जाता है। तो जिसका नाम एपीएल में होना चाहिए उसका नाम, जिसका नाम बीपीएल में होना चाहिए उसका नाम नहीं होता है, जिसका नाम नहीं होना चाहिए उसका नाम होता है। जैसे हरदासपुर गांव की बात मैंने की थी, हरदासपुर गांव में वही हुआ, पानी की किल्लत थी, लोग तरह तरह के सुझाव देने लगे थे, जो बीपीएल में नहीं होना चाहिए था उसको बीपीएल में रखा गया था। ये सभी खामियां हैं। चलिए तो अब पंचायती राज में देखिए, हर एक ग्राम पंचायत कई वार्ड में बंटा होता है और कई वार्ड में हर वार्ड का एक पंच होता है और सबका हेड सरपंच होता है, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो अध्यक्ष होता है पंचायत का, और सचिव होता है एक। कोई भी मीटिंग यदि होती है ग्राम पंचायत की, उसमें सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, और जो भी ग्राम के ग्राम सभा के मेंबर हैं 18 वर्ष के, तो वो सभी होते हैं, और पंचायत सचिव जो होता है ये मुखिया की तरह या सरपंच की तरह इलेक्टेड नहीं होता है, ये अपॉइंटेड होता है, क्योंकि इसका वो कंपटीशन से आता है, सरकार उसको अपॉइंट करती है। तो ये पंचायत सचिव सारे पंचायत का जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, जितनी भी कार्रवाई होती है उसकी रिकॉर्ड जो उसका रिकॉर्ड रखता है पंचायत सेवक की, जिसे ग्राम सचिव भी कहते हैं, पंचायत सचिव भी कहते हैं। तो अब देखिए कि एक ग्राम पंचायत कई वार्ड में बंटा होता है, मैंने बताया। तो 11वीं और 12वीं, 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। अब देखिए ग्राम पंचायत के गठन की बात किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात है। तो ग्राम सभा की मीटिंग जब होती है ना, तो सारे मुद्दे गांव के उठाए जाते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पानी की किल्लत है, कहाँ बिजली नहीं है, कहीं रोड गड़बड़ है, कहीं कीचड़ जमा होता है, कहीं गंदगी है, तो यार ये सारे सॉल्यूशन, कहाँ स्कूल होना चाहिए, कहाँ पार्क, कहाँ क्लब, ठीक है, कहाँ लाइब्रेरी, ये सारे डिसीजन पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग में रखे जाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन होता है। जो भी फंड आता है वो ग्राम पंचायत के विकास के कार्य के लिए लगा दिए जाते हैं। अब ग्राम पंचायत में टैक्स किस पर लगता है, तो टैक्स लगता है छोटे मोटे जो मेले होते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है, और जिस तरह ग्राम पंचायत है उसी तरह नगर पालिका भी है। 73वें संविधान संशोधन के तहत तो ये ग्राम पंचायत का निर्वाचन, बाकी सभी 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज आया, ये ग्राम पंचायत के जरिए ग्राम पंचायत के लिए, और फिर नगर पालिका भी आप देखते हैं कि एक म्यूनिसिपैलिटी कई वार्ड में बंटा होता है, हर का एक वार्ड मेंबर होता है, वार्ड कमिश्नर, तो कोई भी समस्या हो तो हम जाते हैं कहाँ, पहले वार्ड कमिश्नर के पास, तब वार्ड कमिश्नर कहता है कि आप यहाँ जाइए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, आप जब बुक पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी, और हरदासपुर गांव की कहानी आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हरदासपुर गांव की कहानी में ये है कि पानी की किल्लत है और कैसे उसको दूर किया जाए, इसके बारे में सभी सुझाव देते हैं
फिर कौन सा सुझाव माना जाता है, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं इसी चैप्टर से आगे पढ़ाऊंगा।